हेलो एवरीवन, हमने अपनी जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो हमने पढ़ा था अबाउट द सिख गुरुज, जिसमें हमने अपने फर्स्ट 9 गुरुज जो थे वो कवर कर लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट गुरु की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज़ 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका बर्थ हुआ था 22 दिसंबर 1666 में पटना में, बिहार में। अब देखो, ये जो थे, इनका जन्म पटना में कैसे हुआ। अब जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनकी मुगल्स के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, तो एक बार वो पटना में जाकर के रहने लगे थे और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ था। जो इनके फादर थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो थे गुरु तेग बहादुर, और जो मदर थी इनकी वो थी माता गुजरी जी। इनकी तीन वाइफ्स थी, इनकी 3 वाइफ्स थी, बीबी सुंदर कौर, बीबी अजीत कौर एंड बीबी साहिब कौर। बीबी अजीत कौर, बीबी साहिब कौर एंड बीबी सुंदर कौर। इनके बेटे थे 4, अजीत, जुजार, जोरावर एंड फतेह। जो गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने बानीज लिखी थी, काफ़ी बानीज लिखी थी, जैसे कि जाप साहिब, चंडी दीवार, सवाएं, अकाल उस्तत, जफरनामा, जफरनामा बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी बताती हूँ, शब्द हजारे, दसम ग्रंथ, वचित्र नाटक एंड चौपाई साहिब। चौपाई साहिब लिखा इन्होंने। जो जफरनामा था, इन्होंने एक लेटर लिखा था औरंगज़ेब को। जो औरंगज़ेब था, अगर आपको याद होगा कि हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो औरंगज़ेब था उसको लोग पीर, जिंदा पीर बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल था, लेकिन मुस्लिम्स के लिए उतना ही ज़्यादा वो कट्टर था, उतना ही ज़्यादा वो क्रूर था, किन के लिए, हिंदू या सिख लोगों के लिए। तो जो औरंगज़ेब है, उसने जो नॉन मुस्लिम्स थे, जिसमें कि हिंदू एंड सिख दोनों लोग थे, उन पर बहुत से अत्याचार किए, उनको बहुत ज़्यादा मारा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसा लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उसको सब कुछ बताया कि तुम्हारे राज्य में कितने जो निर्दोष लोग थे उनकी जान गई और तुमने क्या क्या अत्याचार किए। और बोला जाता है कि यही लेटर पढ़ करके जो औरंगज़ेब था, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उसने लाइफ में इतने अत्याचार किए और उसकी डेथ हो गई थी फिर पछतावे में। और जो दसम ग्रंथ था, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसा ग्रंथ कंपाइल किया था जिसमें कि सारे गुरुज की बानीज थी, जो जो जिन जिन गुरुज ने लिखी थी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जो 6th, 7th और 8th गुरु थे, उन्होंने कोई भी बानी नहीं लिखी थी। तो जो वचित्र नाटक था, ये गुरु गोविंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी गुरु गोविंद सिंह जी की। ही एबोलिस्ट मसन सिस्टम। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो गुरु अर्जुन देव जी थे, उन्होंने एक मसंद एंड दसवंद सिस्टम स्टार्ट किया था। मसंद सिस्टम में क्या था कि जो मसंद थे, जिसमें कि एक पर्सन जो थे वो पैदल जा करके गुरु की टीचिंग्स का प्रचार करते थे, और दसवंद में उन्होंने बोला था कि आप अपनी इनकम का 1/10 पार्ट जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए दो। तो धीरे धीरे क्या हो गया था कि ये दसवंद वाला सिस्टम जो था वो ज़बरदस्ती वाला हो गया था। जो मैसेंजर्स थे, जो मसंद थे, वो लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लेकर के आते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर, जब गुरु जी का टाइम आया, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो लोग हैं उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उन्होंने मसंद सिस्टम ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर किसी ने दसवंद देना है तो वो अपनी मर्ज़ी से खुद चल कर आएगा और दे कर के जाएगा, किसी के पास जाना नहीं है उसको कलेक्ट करने के लिए। इन्होंने सिटी फाउंड किए, पौंटा साहिब, मुक्तसर। जो मुक्तसर था, इसका ओल्ड नेम था खिदराना, मीन्स जब इन्होंने सिटी फाउंड किया तो उसका खिदराना नेम था। दमदमा साहिब, दमदमा साहिब फाउंड किया इन्होंने। उसके बाद खालसा पंथ,
इन्होंने एक खालसा पंथ की सिर्जना की थी, एक कंपोज किया था खालसा पंथ को। इसमें क्या था कि इन्होंने एक बेसिकली आर्मी बनानी थी, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि वो लोग जो मुगल्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, धर्म के लिए मतलब कुछ कर सकते हैं, वो लोग आगे आओ। तो ये इन्होंने वैसाखी वाले दिन की थी, 1699 में, केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे में, जो कि आनंदपुर साहिब में है। और यहाँ पर इन्होंने 5 पर्संस को लिया था, जिनको 5 प्याराज बोला जाता है, 5 प्यारे बोला जाता है। उनके नेम दयाराम, तरमदास, मोहकम चंद, हिम्मत दास एंड साहिब चंद। हियर इज अ साहिब। आगे आए थे और गुरुजी ने इनको अमृत दिया था, अमृत दे करके बोला था कि ये 5 प्यारे हैं। और जब खालसा पंथ की सिर्जना की थी तो इन्होंने 5 केस का कंसेप्ट दिया था गुरुजी ने। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनकी जो डेथ थी वो 1708 में हुई थी, नंदेड़ में, महाराष्ट्र में। नंदेड़ महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई थी। आजकल वहां पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हजूर साहिब, गुरुद्वारा हजूर साहिब है वहां पर। जो गुरु जी थे, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने 8 बैटल्स लड़ी, जिनको कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बैटल ऑफ पंगानी, इन पंगानी 1688 में लड़ी थी इन्होंने राजा भीमचंद के साथ, और गुरु जी इस लड़ाई को जीत गए थे। बैटल ऑफ नदौन, ऑलमोस्ट हर बैटल का जो नेम है उस जगह से है, वह जहाँ पर वो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी। तो नदौन में ये हुई 1690 में, विद मुगल्स, मुगल्स के साथ हुई थी, और ये लड़ाई भी गुरुजी ने जीती थी। देन फर्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब, जो कि आनंदपुर में हुई थी 1704। आनंदपुर में 2 बैटल्स हुई हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट और सेकंड के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हुई थी विद भीमचंद, और इस बैटल को भी जो गुरुजी थे उन्होंने क्या किया था, जीता था। बैटल ऑफ निरमोह, जो कि 1702 में हुई थी, निरमोह में, मुगल्स के साथ एंड राजा भीमचंद के साथ, दोनों के साथ, मुगल्स एंड राजा भीमचंद जो थे वो मुगल्स के साथ मिल गए थे। और जो सिख लोग थे या गुरुजी थे, उन्होंने इस लड़ाई को जीत लिया था। बैटल ऑफ बसोली, जो कि बसोली में हुई थी 1702 में, 1702 में, विद राजा भीमचंद, जो कि सिख लोगों ने जीत ली थी। उसके बाद हुई सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर, आनंदपुर की दूसरी लड़ाई हुई 1704। ये हमने ज़रूर याद करनी है, लास्ट 2 बैटल्स 1704 में हुई थी वजीर खान के साथ। जो मुगल्स थे वो यहाँ पर जीत गए थे, जो वजीर खान था वो मुगल था, वो जीत गया था। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे थे, फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह, ब्रिक्ड अलाइव इन सरहंद, सरहंद में उनको जिंदा चिनवा दिया गया था दीवारों में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैटल है, यहाँ से हमें क्वेश्चन ज़रूर रहता है। बैटल ऑफ चमकौर, जो कि 1704 में ही हुई थी मुगल्स के साथ, चमकौर साहिब में, मुगल्स यहाँ पर जीत गए थे। और इस बैटल के बाद क्या हुआ था, इस बैटल के बाद क्या हुआ था कि जो उनके बेटे थे, बड़े बेटे, अजीत सिंह एंड जुजार सिंह, ये तो मतलब इनकी तो डेथ हुई थी, इनके साथ 35 सिख पीपल, 35 सिख पीपल जो थे वो मारे गए थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ खिदराना, बैटल ऑफ खिदराना जो थी वो 1705 में हुई थी मुगल्स के साथ। गुरुजी ने यहाँ पर ये लड़ाई जीत ली थी,
जो गुरु जी थे उन्होंने खिदराना की लड़ाई यानी कि मुक्तसर की लड़ाई जीत ली थी, लेकिन यहाँ पर बहुत से सिख लोग जो थे वो मारे गए थे। एवरी ईयर खिदराना द मेला हेल्ड एट मुक्तसर ऑन नेक्स्ट डे ऑफ लोहड़ी इन द मेमोरी ऑफ किल्ड सिख्स। तो एवरी ईयर जो खिदराना का मेला, खिदराना का मेला लगता है मुक्तसर में, जो लोहड़ी फेस्टिवल है उसके नेक्स्ट डे लगता है, जो सिख लोग मारे गए थे इस लड़ाई में उनको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये तो था हमारे पास कि जो सिख लोग हैं उनकी मेमोरी में मेला लगता है। इसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने क्या कर दिया था अपने टाइम पर, जो गुरु गद्दी थी उसको ख़त्म कर दिया था। उन्होंने बोला कि अब कोई भी फिजिकल गुरु नहीं होंगे, मीन्स कोई इंसान गुरु नहीं होगा। जो दसम ग्रंथ उन्होंने कंपाइल किया था वही आज से आपके गुरु होंगे। और जो दसम ग्रंथ था, वो गुरुजी ने नंदेड़ नंदेड़ महाराष्ट्र में कंपाइल किया था, और वहीं पर इनकी डेथ हुई थी 1708 में। और वहीं पर गुरुजी ने बोला था कि आज से आपके जो गुरु होंगे वो दसम ग्रंथ होंगे। तो उसके बाद हमारे पास जैसे हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा होती है, वैसे ही सिख धर्म में 5 तख्त हैं। ठीक है, मतलब 5 फेमस गुरुद्वारे हैं, जो बोला जाता है कि हर सिख को अपनी लाइफ में उन 5 गुरुद्वारों में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है तख्त वो है अकाल तख्त हरिमंदिर साहिब अमृतसर में। हरिमंदिर साहिब अमृतसर में हमें पता ही है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 6th गुरु ने बनवाया था। ठीक है, हरिमंदिर साहिब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा है आनंदपुर में, यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, खालसा पंथ की सिर्जना हुई थी, दमदमा साहिब है नियर तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 1 साल तक रहे थे। नेक्स्ट इज हजूर साहिब, जो हजूर साहिब है ये नंदेड़ में है, महाराष्ट्र में है। ये डेथ प्लेस है किसकी, डेथ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, एंड पटना साहिब जो कि पटना में है बिहार में, ये क्या है, बर्थ प्लेस है किसकी, 10th गुरु की, जो है गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक है जो कि सिख धर्म की होली बुक है, रिलीजियस बुक है। लास्ट गुरु, जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, कंपाइल्ड दसम ग्रंथ, उन्होंने एक दसम ग्रंथ कंपाइल किया था। इन विच ही कंपोज जो बानी ऑफ 1st, 5th एंड 9th गुरु, जिसमें उन्होंने पहले 5 गुरु और 9th गुरु की बानी लिखी थी, क्योंकि हमें पता है कि 6th, 7th और 8th गुरु ने तो कुछ लिखा ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी बानी नहीं लिखी थी। आफ्टर हिज डेथ भाई मनी सिंह जी, जो भाई मनी सिंह जी थे उन्होंने कलेक्ट की 10th गुरु की बानी को एंड कंपोज गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहिब थे उनको कंपोज किया। इट कंसिस्ट बानी ऑफ 1st, 5th, 9th एंड 10th गुरु, जिसमें कि पहले 5, 9th एंड 10th गुरु की बानीज हैं। 17 सेंट, जो सेंट मतलब साधु, उनकी बानी है। 11, 11 भट्ट की बानीज हैं, और 4 गुरु सिक्स की बानी है। जो लैंग्वेज यूज की गई है दसम ग्रंथ में, या सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब में, डेट इज द गुरुमुखी। एंड टोटल पेजेस हैं 1430, एंड टोटल शब्द
टोटल शब्द जो है अप्रोक्सीमेटली 6,000 हैं, 6,000 टोटल शब्द हैं, और जो राग हैं वो टोटल 31 है। नेक्स्ट इज बंदा सिंह बहादुर। जो बंदा सिंह बहादुर हैं, अब देखो क्या हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी जब पंजाब से लड़ते लड़ते मुगल्स के साथ लड़ते लड़ते नंदेड़ में पहुंच गए थे, तो वहां पर उनकी जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी बंदा सिंह बहादुर से। तो पढ़ते हैं हम पहले, जो बंदा सिंह बहादुर थे इनको लक्ष्मण देव या फिर माधो दास भी बोला जाता था। जो लक्ष्मण देव था वो इनका बचपन का नेम था। इनका बर्थ हुआ था 1670 में जम्मू में रजौरी में, जम्मू के रजौरी में इनका जो था वो बर्थ हुआ था। अब क्या हुआ था कि जो बंदा सिंह बहादुर जो कि एज अ लक्ष्मण देव जाने जाते थे बचपन में, वो एक बार शिकार खेलने गए और इनसे एक प्रेग्नेंट डियर हिरनी की डेथ हो गई। और उसका मतलब जब इन्होंने उसको तड़पते हुए मरते देखा तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और उस चीज़ का मतलब पछतावे में ये अपना घर बार छोड़कर चले गए। कहाँ कहाँ चले गए, ये नंदेड़ में, और वहाँ पर इन्होंने अपना नेम रख लिया माधो दास वैरागी। ठीक है, वैरागी। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई गुरुजी से ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो जब गुरुजी इनसे मिले तो गुरुजी को लगा कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इनमें एक सिपाही की पूरी क्वालिटीज़ हैं। गुरुजी ने वहाँ पर इनको नेम दिया बंदा सिंह बहादुर। बहादुर मीन्स पंजाबी में ताकतवर, जिसमें बहुत सी जान है। इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी और पंजाब भेजा कि आप जाओ पंजाब, और मुगलों ने जो लोगों पर अत्याचार किए कर रहे हैं उसको जा कर के ख़त्म करो। ही फॉट बैटल ऑफ चप्पड़चिड़ी। इन्होंने चप्पड़चिड़ी की लड़ाई लड़ी वजीर खान के अगेंस्ट 1710 में, और मारा वजीर खान को। ये कौन था वजीर खान? जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे बेटों को जिंदा दीवार में चिनवाया था। उसके बाद जो बंदा सिंह बहादुर थे ये पंजाब में ही रहने लगे थे। लोहगढ़ को इन्होंने अपनी कैपिटल बनवा लिया था। लोहगढ़ को इन्होंने अपनी कैपिटल बनवा लिया था। जो ये थे बंदा सिंह बहादुर, इनको 1716 में फारूकसियर ने मारा। फारूकसियर ने मार दिया था 1716 में। फारूकसियर कौन था? ये मुगल रूलर था दिल्ली का, मुगल रूलर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट उसके बाद बना दल खालसा। अब जब दल खालसा कैसे बना, तो जब बंदा सिंह बहादुर थे 1716 में उनकी हो गई डेथ, तो अब पंजाब में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो जो सिख लोग हैं उनका लीडर बने। तो बिना किसी लीडर के जो सिख लोग थे वो क्या थे, वो एक रेस्टलेस कंडीशन में थे। तो सब ने मिलकर सोचा कि हम जो भाई मनी सिंह जी हैं उनको अपना लीडर अपॉइंट करते हैं, और वही जो होंगे वो हरिमंदिर साहिब की देखरेख करेंगे। और वो जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अब हम एक साल में दो बार मिला करेंगे, मीटिंग किया करेंगे। उन मीटिंग्स को उन्होंने नेम दिया सरबत खालसा मीटिंग्स। जो वो दो बार कब मिलेंगे, एक बैसाखी पर और एक दिवाली पर। कहाँ? हरिमंदिर साहिब में। और उन्हीं मीटिंग्स को बोला था सरबत खालसा मीटिंग्स। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग्स थी वहाँ क्या डिस्कशंस होती थी कि हरिमंदिर साहिब को कैसे प्रोटेक्ट करना है मुगल से, और जो सिख लोग हैं उनकी कैसे केयर करनी है और प्रोटेक्ट करना है मुगल्स से।
तो आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर देयर वर नो एमिनेंट, कोई भी अच्छा लीडर नहीं था ऑफ सिख्स इन पंजाब। सिख अपॉइंटेड भाई मनी सिंह जी एज देयर लीडर एंड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ हरिमंदिर साहिब। सिख स्टार्टेड मीटिंग ट्वाइस इन अ ईयर, साल में दो बार मिलना शुरू किया, ऑन वैसाखी एंड दिवाली टू डिस्कस अफेयर्स ऑफ हरिमंदिर साहिब। दीज मीटिंग्स वर कॉल्ड सरबत खालसा मीटिंग्स, इन मीटिंग्स को कहा जाने लगा सरबत खालसा मीटिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, 1733 में एक पर्सन थे जाकरिया खान, जो कि लाहौर के मुगल रूलर थे। अब जब इन मुगल जो सिख लोग थे उनका एक सिस्टम चल पड़ा था कि साल में दो बार ही मिलना है, तो वो बड़ा अच्छे से चल रहा था, जहाँ पर मीटिंग्स करनी है और डिस्कस करना है हाउ टू लुक आफ्टर द गुरुद्वारास हरिमंदिर साहिब एंड सिख पीपल। तो जाकरिया खान को ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब उनको खलने लगे सिख लोग। तो जाकरिया खान ने सोचा कि मैं सिख लोगों को अपने अंडर करूँगा, लेकिन जो कि पिछले काफ़ी सालों से मुगल्स और सिख लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो जाकरिया खान को ये तो समझ में आ गया था कि ये इजी नहीं है टू कंट्रोल द सिख पीपल। तो उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया उसने, सोचा कि मैं सिख लोगों को अपने अंडर करूँगा बट इन अ फ्रेंडली मैनर। तो उसने क्या किया, उसने सिख्स के साथ एक मीटिंग की, कहा कि मैं आप लोगों में से ही एक पर्सन लूँगा, उसको नवाब का टाइटल दूंगा, वो आपका नवाब कहलाएगा, और आपको एक जागीर भी दूंगा, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा दूंगा जहाँ पर आप लोग इजीली से रह सकते हो और अपना काम भी अच्छे से कर सकते हो। तो क्या किया इसने, अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई। कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा गलत करने से पहले उसने अपने एक अच्छा साइड दिखाया, किसको, सिख पीपल को। तो उस वक्त जो सिख लोग थे उनको ये अच्छा लगा, ठीक लगा, तो उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने आपसी सहमति के साथ एक पर्सन को चूज़ किया, कपूर सिंह, कि ये हमारे लीडर होंगे। जाकरिया खान ने कपूर सिंह को नवाब का टाइटल दिया और वो बन गए नवाब कपूर सिंह, जो कि लीडर बने सिख लोगों के। इन 1733 जाकरिया खान अ मुगल एम्परर ऑफ लाहौर डिसाइडेड टू सप्रेस सिख पीपल बट इन अ फ्रेंडली वे, बट उनसे दोस्ती करके। ही ऑफर्ड देम अ जागीर एंड अ टाइटल ऑफ नवाब, उनको एक जागीर दी और नवाब का टाइटल दिया। कपूर सिंह वॉज सेलेक्टेड बाय सरबत खालसा एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ नवाब। अब जो नवाब कपूर सिंह थे, इनडायरेक्टली जो जाकरिया खान था ना, वो उनको अपने अंडर करना चाहता था। तो जहाँ पर जो कपूर सिंह थे उन्होंने दल खालसा को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तरुणा दल एंड बुड्ढा दल। तरुणा दल में जो थे सारे यूथ था, सारा का सारा क्या था, यूथ, और बुड्ढा दल में थे ओल्ड पीपल, जो बुजुर्ग लोग थे। तो इनको दो ग्रुप्स में बांटा और जो कान था वो भी दो ग्रुप्स में बांटा। पहला जो तरुणा दल था जिसमें सारा यूथ था, उनकी तो बनाई एक मिलिट्री जो कि सिख लोगों की प्रोटेक्शन करते थे फ्रॉम द मुगल्स, और जो बुड्ढा दल था उसमें थे सारे ओल्ड पीपल जो कि देख रेख करते थे पंजाब में जितने भी गुरुद्वारा थे और जो हरिमंदिर साहिब था। बुड्ढा दल कंसिस्ट ओल्ड एज पीपल हु लुक आफ्टर गुरुद्वारा एंड तरुणा दल कंसिस्ट यूथ हु मेक आर्मी। तो 1735 में, दो साल बाद ही, सिख लोगों को समझ में आया कि हम इनडायरेक्टली कंट्रोल किए जा रहे हैं बाय द मुगल्स। तो उन्होंने वो चीज़ को ख़त्म कर दिया एंड अगेन दल खालसा केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दोबारा से फिर क्या बना, दल खालसा बना। 1735 में एक पर्शियन लीडर थे, कौन, नदीर शाह, वो पंजाब आए, कहाँ से, अफगानिस्तान से आए थे ये, फ्रॉम अफगानिस्तान। तो सिख लोगों ने क्या किया, इनको टीज करने के लिए इनके जो कैमल्स थे उनको लूट लिया और काफ़ी ज़्यादा लूट मार की। तो नदीर शाह को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी
उसने जाकिर खान को कहा कि जो मेरे साथ ये चीज़ हुई है उसका तुम बदला लो, अदरवाइज मैं तुम्हें तुम्हारी पदवी से उतार दूंगा। तो जाकिर खान डर गया, तो उसने सोचा कि अब मुझे सिख्स पर अटैक करना होगा। तो जाकिर खान ने सिख लोगों पर, उनका एक ढालेवाल फोर्ट था वहाँ पर अटैक कर दिया, जिसमें बहुत से सिख लोग जो थे वो मारे गए। नदीर शाह वॉन्ड जाकिर खान इफ ही डिड नॉट स्टॉप सिख्स ही वुड बी पनिश्ड एंड वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन, कि अगर उसने सिखों को नहीं रोका और उनको पनिश नहीं किया तो वो उसको पनिश कर देगा और उनकी क्या कर देगा, उनको उनके थ्रोन से, गद्दी से उतार देगा। जाकिर खान अटैक्ड ऑन मड फोर्ट ऑफ तालेवाल ऑफ सिख्स। मड फोर्ट मतलब एक मिट्टी का किला था, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें बहुत से सिख लोग मारे गए। सिख किल्ड जसपत राय टू टेक द रिवेंज हु वॉज फौजदार ऑफ अमीनाबाद। अमीनाबाद एक जगह थी, उसका फौजदार था जसपत राय। सिख लोगों ने इस हमले का बदला ले लिया, किसको मारकर, जसपत राय को मारकर। उसके बाद दो लड़ाइयाँ हुई बिटवीन द सिख्स एंड मुगल्स, जिसको छोटा कल्लूकारा एंड बड़ा कल्लूकारा बोला जाता है। पहले हुआ छोटा कल्लूकारा, अब सिख लोगों ने जसपत राय को मारा। तो जसपत राय का एक ब्रदर था लखपत राय, हु वॉज द दीवान ऑफ लाहौर। दीवान उस टाइम पर एक पोस्ट हुआ करती थी मुगल्स में, लाहौर का दीवान था एंड ब्रदर था जसपत राय। वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम सिख्स, वो सिख लोगों से बदला लेना चाहता था, किस चीज़ का, जसपत राय की मौत का बदला। विद द हेल्प ऑफ यहिया खान, जो यहिया खान था वो मुगल एम्परर था लाहौर का, जो कि बेटा था जाकिर खान का, सन ऑफ जाकिर खान। तो जैसे जाकिर खान की दुश्मनी थी मुगल्स से, तो ऐसे ही वाहिया खान की भी मुगल्स के, सिख लोगों के साथ सॉरी दुश्मनी थी। तो वाहिया खान के साथ मिलकर लखपत राय ने सिख लोगों पर हमला कर दिया। ही अटैक ऑन सिख्स कहाँ, इन कानोवन विलेज नियर गुरदासपुर। गुरदासपुर के नज़दीक एक विलेज है कानोवन विलेज, वहाँ पर हमला कर दिया, जहाँ पर 7000 सिख लोग जो थे वो मारे गए और 3000 से ज़्यादा सिखों को बंदी बना लिया गया। और उन्हीं लोगों की याद में जो सिख लोग मारे गए, उन्हीं की याद में 100 फीट मीनार बनवाई गई है, कहाँ, कानोवन में, इन द मेमरी ऑफ किल्ड पीपल। अब हमें छोटा कल्लूकारा से क्वेश्चन कैसा कैसे आता है कि ये कौन से ईयर में हुआ, 1746, किस जगह पर हुआ, कानोवन विलेज नियर गुरदासपुर में हुआ, और किसने अटैक किया, लखपत राय एंड वाहिया खान ने। किसने अटैक किया, कौन सी जगह, कौन से ईयर में, तो ये हमें याद करने हैं सेम वड्डा कल्लूकारा में। उसके बाद हुआ वड्डा कल्लूकारा 1762। यहाँ पर पहले हम स्टोरी देखते हैं। एक पर्सन थे अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1748 में आए थे अफगानिस्तान से इंडिया में। इंडिया में इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने लड़ी एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1761 में विद द मराठास, मराठास के साथ लड़ी। तो जब ये लड़ाई हुई तो अहमद शाह अब्दाली लड़ाई को जीत गया और बहुत सी लूट मार करके ये वापस जा रहा था अफगानिस्तान। और उस टाइम पे जब अफगानिस्तान जाना होता था तो बायो पंजाब होके जाना पड़ता था। जब ये अपने रास्ते में था, जब सिख लोगों को पता चला कि अफगानिस्तान पंजाब में से गुजर रहा है, तो उसको टीज करने के लिए सिख लोगों ने सरहंद एंड मलेरकोटला, जो कि उस वक्त मुस्लिम डोमिनेटिंग टाउन्स थे पंजाब में, वहाँ पर उन लोगों पर हमला कर दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आया इस चीज़ से, तो उसने सोचा कि मैं सिख लोगों से बदला लूँगा। तो उसने सिख लोगों पर हमला कर दिया 5 फेब, इसकी एग्जैक्ट डेट है 5 फेब 1762 में। एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ पर, वहाँ के नज़दीक एक सिटी है मलेरकोटला। मलेरकोटला के पास एक विलेज है कुप रोहिरा, वहाँ पर जो रात को लोगों पर, सोए हुए लोगों पर हमला किया गया,
जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 जो लोग थे, सिख लोग थे, वो मारे गए थे। और यहाँ पर क्या हुआ, जब इतने सारे जो मतलब सिख लोग थे वो मारे गए, तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस हमले में जो लेडीज और बच्चे थे उनको भी मारा गया। और पहले लड़ाइयों का ये रूल होता था कि बच्चों और लेडीज पर हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको कमजोर और निहत्थे माना जाता था। तो यहाँ पर उन पर भी हमला हुआ, और इसी चीज के लिए इसको बड्डा कल्लूकारा बोला जाता है। इन 1748 अहमद शाह अब्दाली रूलर ऑफ अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ शाह नवाज। शाह नवाज ने इसको बुलाया था। कौन था ये? ब्रदर था वाहिया खान का। इन 1762 ही वॉज रिटर्निंग बैक टू अफगानिस्तान आफ्टर विनिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 अगेंस्ट मराठास। वापस जा रहा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद। वेन ही वॉज पासिंग थ्रू पंजाब एट द सेम टाइम सिख पीपल लूटेड मुस्लिम्स इन मलेरकोटला एंड सरहंद। सिख लोगों ने मलेरकोटला एंड सरहंद में लूट लिया, किसको? मुस्लिम्स को। टू टेक द रिवेंज, रिवेंज लेने के लिए 5 फेब, 5 फरवरी, 5 फेब 1762, 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने सिख लोगों पर हमला कर दिया। कहाँ? कुप्रोहिरा में, जो कि कैंप लगाकर रह रहे थे। कुप्रोहिरा में एक विलेज है नियर मलेरकोटला, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। अब तो ये जो मलेरकोटला है, अभी लेटेस्ट है कि जुलाई में मलेरकोटला खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब्दाली अटैक्ड ऑन देम ड्यूरिंग नाइट टाइम। नियरली 50,000 सिख पीपल वर किल्ड, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर भी पंजाब गवर्नमेंट ने एक मीनार, मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कुप्रोहिरा, कुप्रोहिरा इन मेमोरी ऑफ किल्ड सिक्स, इन मेमोरी ऑफ किल्ड सिक्स। उसके बाद है हमारे पास सिख मिसल्स। अब देखो, हमारे पास 2 बार अटैक हुआ सिखों पर, छोटा कल्लूकारा एंड बड़ा कल्लूकारा। और जो सिख लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो 1764 में एक पर्सन थे जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह आलूवालिया। इन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए सिख लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम सिखों को मिसल्स में डिवाइड कर देंगे। मिसल का मतलब था कि जगह, कि इन्होंने पंजाब को 11 मिसल्स में डिवाइड किया था। बाद में 12 बनी थी, 12 मिसल्स थी टोटल। तो हमें क्वेश्चन ये भी रहता है कि स्टार्टिंग में कौन सी मिसल जो थी वो फॉर्म नहीं हुई थी। मिसल मतलब कि 11 प्लेसेस में डिवाइड कर दिया, हर प्लेस का एक नेम रखा गया, जैसे तालेवालिया मिसल, ठीक है, पुलकिया मिसल, इस तरह से करोड़ सिंगिया मिसल। तो उस जगह का नेम रखा गया और वहाँ पर एक हेड, एक लीडर अपॉइंट किए गए जो उस पर्टिकुलर एरिया के सिख लोगों की प्रोटेक्शन करेंगे मुगल्स से, और वहाँ उस एरिया में जितने भी गुरुद्वारे पड़ेंगे उनकी जो टेक केयर करेंगे वो लीडर्स। तो बाद में टोटल 12 मिसल बनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में 1764 में 11 मिसल्स ही थी। अर्लियर 11 मिसल्स वर फॉर्म्ड। पुलकियाँ मिसल थी एक जो वो पहले नहीं बनी थी। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच मिसल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ 12 मिसल्स अर्लियर। तो बाद में 12 मिसल्स बनी थी। तो हर मिसल के नेम और उनके लीडर के नेम को हमें याद करना है। तो पहले थी मिसल करोड़ सिंघिया मिसल, उनके जो लीडर थे वो थे करोड़ सिंह। ऑलमोस्ट जो मिसल्स के लीडर थे
उनके जो नेम से ही मिसल का नेम था, निशाने वालिया मिसल। लीडर थे दसुंदा सिंह। शहीदा मिसल लीडर थे बाबा दीप सिंह। निकई मिसल इनके थे हीरा सिंह निकई। ताले वालिया मिसल इधर है, ताले वालिया मिसल गुलाब सिंह ताले वाल। रामगढ़िया मिसल लीडर थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। आलू वालिया मिसल जस्सा सिंह आलू वालिया। पुलकिया मिसल चौधरी पूल सिंह। पंगी मिसल हरी सिंह ढिल्लों। कन्हैया मिसल जय सिंह। सिंहपुरिया मिसल, ये जो सिंहपुरिया मिसल था इसको फैजलपुरिया मिसल भी बोला जाता था। इनके लीडर थे नवाब कपूर सिंह। एंड लास्ट जो मिसल थे वो थे शुक्र चकिया मिसल। शुक्र चकिया मिसल इनके जो लीडर थे, लीडर वो थे बाबा चरत सिंह। बाबा चरत सिंह, बाबा चरत सिंह। तो ये था सारा का सारा हमारे पास मिसलधारी सिस्टम। उसके बाद पंजाब में रूल आया महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह का जो बर्थ था वो 13 नवंबर को हुआ 1780 में। एक गुजरांवाला विलेज है जो आजकल पाकिस्तान में है। इनके जो फादर थे वो थे महा सिंह और इनकी जो मदर थी वो थी राज कौर। इनका जो बचपन का नेम था वो था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये शुक्र चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। हमने बोला ना कि पंजाब को मिसल्स में डिवाइड किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह भी तो किसी ना किसी मिसल में रहे होंगे। तो ये थे शुक्र चकिया मिसल से। और जो चरत सिंह थे वो इनके दादा थे, वो इनके दादा थे। तो ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा एट द एज ऑफ 21। जब ये 21 साल के थे 1801 में इनको महाराजा का टाइटल दिया था। क्योंकि जब महाराजा रणजीत सिंह का टाइम चला तो इन्होंने देखा कि जो लीडर थे मिसल्स के, उन लोगों का काम तो था कि वो सिख लोगों को प्रोटेक्ट करें मुगल्स से, लेकिन जो वो लीडर थे वो खुद को उस पर्टिकुलर मिसल का राजा मानने लगे थे और वही अपने लोगों पर अत्याचार करने लग गए थे। तो महाराजा रणजीत सिंह को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खली। तो उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया कि लड़ाइयाँ लड़ी सब मिसलों के लीडर से और उनको सबको अपने कब्जे में ले लिया और 12 की 12 जो मिसलें थी उनको यूनाइट करके एक किंगडम बना दिया, एक राज्य बना दिया। और वहीं से महाराजा रणजीत सिंह बने महाराजा ऑफ पंजाब। ठीक है। और इनको ही बोला जाता है फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह को बोला जाता है फर्स्ट सिख रूलर ऑफ ऑफ पंजाब। ही वॉज फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब रूल्ड बाई यूनाइटिंग 12 मिसल्स। लाहौर जो थी वो इनकी कैपिटल थी। हिज कैपिटल वॉज लाहौर। बचपन में इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, चेचक हो गया था और इनकी एक जो लेफ्ट आई साइड थी वो चली गई थी। तो इनको एक ही आंख से दिखता था। इन हीज चाइल्डहुड ही सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड ही लॉस्ट हिज लेफ्ट आई साइड। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इनके फादर की डेथ के बाद ही वॉज रेज्ड बाई सद्दा कौर हिज मदर इन लॉ। ये सिर्फ 12 साल के थे, 12 ईयर्स के थे जब इनकी फादर की डेथ हो गई थी। तो बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी। ठीक है। बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी। तो इनकी मदर इन लॉ थी सद्दा कौर। सद्दा कौर, सद्दा कौर के हस्बैंड थे गुरबख्श सिंह। गुरबख्श
सिंह, मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह के फादर इन लॉ थे गुरबख्श सिंह और मदर इन लॉ थी सद्दा कौर। जो गुरबख्श सिंह थे ये लीडर थे कन्हैया मिसल के, लीडर ऑफ कन्हैया मिसल, ठीक है, क्योंकि जब एक लीडर की डेथ होगी तो नेक्स्ट लीडर अपॉइंट हो जाता था। तो पहले जो कन्हैया मिसल के लीडर थे वो जय सिंह थे, फिर उसके बाद कौन आए, गुरबख्श सिंह आए। तो जो सद्दा कौर थी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बोल्ड लेडी थी, इन्होंने ही महाराजा रणजीत सिंह का पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो टूट गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो इनकी मदर इन लॉ ने इनका पालन पोषण किया। और कहा जाता है कि इनको पॉलिटिकल नॉलेज भी दी और राज्य कैसे चलाना है वो सब कुछ भी इनकी मदर इन लॉ ने ही इनको सिखाया। इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इनकी मदर इन लॉ ने, सद्दा कौर ने। ही डिड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809। महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ की थी ये ट्रीटी 1809 विद ब्रिटिशर्स। तो हमें बहुत बार पूछा जाता है कि अमृतसर की ट्रीटी कब हुई, कौन से ईयर में, किसने किसके साथ की, तो ये हमें लर्न करना है। ही गोल्ड प्लेटेड हरिमंदिर साहिब, इन्होंने हरिमंदिर साहिब को गोल्ड से प्लेट करवाया और उसी के बाद वो हम उसको कहने लगे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, फिर उसी के बाद ही इसका नाम हुआ गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड पटना साहिब एंड हजूर साहिब। जो पटना साहिब था वो गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस था और जो हजूर साहिब था वो गुरु गोविंद सिंह जी का डेथ प्लेस था। तो वो दोनों तख्त भी जो थे वो किसने बनवाए थे, महाराजा रणजीत सिंह ने। ही इशूड नानक शाही क्वाइंस, नानक शाही क्वाइंस जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह ने चलाए थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाराजा रणजीत सिंह को बहुत से नामों से जाना जाता था, जैसे कि शेर ए पंजाब, गॉड ऑफ फाइव रिवर्स। फाइव रिवर्स के गॉड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पंजाब के राजा थे तो पंजाब में पांच नदियां बहती थी तो उनको भगवान माना जाता था पांच नदियों के। सरकार ए खालसा, महाराजा ऑफ लाहौर एंड पारस। पारस वैसे बोला जाता है ये एक मिथ ही है कि एक ऐसा पत्थर है जिसको अगर किसी भी चीज़ से रगड़ाओ, रगड़ करो उसको, तो वो क्या कर देता है, उसको सोने में कन्वर्ट कर देता है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे इनके राज्य में सब खुश थे, मतलब बहुत ही खुशहाल था, तो इसको इनको इसीलिए पारस के साथ कंपेयर किया गया है। तो इनकी डेथ हुई 1839 में लाहौर में। उसके बाद हम कुछ MCQs देखते हैं महाराजा रणजीत, जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा उस पर। महाराजा रणजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर, सिख एम्पायर के फाउंडर थे, मतलब कि जो इनको फर्स्ट सिख रूलर बोला जाता है पंजाब के। ही वॉज बॉर्न इन, तो इनका जो बर्थ था वो हुआ था 1780 में गुजरांवाला में, गुजरांवाला, और जो कि आजकल कहाँ है, पाकिस्तान में है। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लें तो 13 नवंबर, और इनकी डेथ हुई है 1839 में लाहौर में। व्हेन डिड रणजीत सिंह प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द महाराजा ऑफ पंजाब, इन्होंने खुद को महाराजा कब डिक्लेयर किया था पंजाब में, 1801 में इन्होंने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया था पंजाब का, और लोगों ने इनको महाराजा का टाइटल दिया था कब, 1801 में। व्हेन वॉज ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड, जो अमृतसर की ट्रीटी थी वो 25 अप्रैल 1809 को साइन हुई थी बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स।
व्हेन डिड रणजीत सिंह डाइड? रणजीत सिंह की जो डेथ हुई 1839 में हुई, अगर एग्जैक्ट डेट याद करनी है तो 27 जून। कब हुई, कहाँ हुई, सॉरी लाहौर में हुई, लाहौर में इनकी डेथ हुई। ओल्ड नेम ऑफ मुख्तसर वॉज, मुख्तसर का ओल्ड नेम था खिदराना, खिदराना मुख्तसर का ओल्ड नेम था, जो चक नानकी था, इसका आंसर तो ए है, जो चक नानकी था ये किसका नेम था, आनंदपुर का, आनंदपुर साहिब का था ओल्ड नेम। जो मुख्तसर था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने फाउंड किया था, आनंदपुर गुरु तेग बहादुर जी ने, और नेम ऑफ हिज मदर नानकी, अपनी मदर नानकी के नेम से इसको फाउंड किया था। चक गुजरी किसी भी सिटी का नेम नहीं था, ठीक है। चक रामपुर था किसका, अमृतसर का, अमृतसर का ओल्ड नेम था चक रामपुर। इसको चक रामपुर भी बोला जाता है, इसको चक रामदास नगर भी बोला जाता है, दोनों सेम ही है, अमृतसर के ओल्ड नेम है, जो कि किसने फाउंड किया था, गुरु रामदास जी ने, जो कि थे फोर्थ गुरु ऑफ सिक्स। और अमृतसर के लिए जो लैंड थी, जो लैंड डोनेट की थी, लैंड डोनेटेड बाय अकबर, और फिर गुरु रामदास जी ने यहीं पर गोल्डन टेंपल, गोल्डन टेंपल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी थी। जो गोल्डन टेंपल की कंस्ट्रक्शन थी वो तो गुरु रामदास जी ने स्टार्ट की थी, लेकिन कंप्लीट किसने करवाई थी, कंप्लीटेड बाय गुरु अर्जुन देव जी, कंप्लीट करवाया था इसको गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट इज आनंदपुर वॉज फाउंडेड बाय, अभी बताया गुरु तेग बहादुर जी, हु वॉज द 9th गुरु। छोटा कल्लूकारा हैपन्ड इन, छोटा कल्लूकारा जो लड़ाई थी वो कौन से ईयर में हुई, 1746 में हुई। लखपत राय एंड वाहिया खान, वाहिया खान ने अटैक किया था, अटैक्ड सिक्स, कहाँ, कानोवान विलेज में, जो कि आजकल कहाँ है, नियर गुरदासपुर, गुरदासपुर। और हमने पढ़ा कि 7000 जो सिख थे वो मारे गए थे, किल्ड, और अप्रॉक्सीमेटली 3000 जो थे उनको इम्प्रिजेंड कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट वड्डा कल्लूकारा हैपन्ड एट, जो वड्डा कल्लूकारा था वो कुप रोहिरा में हुआ, ये कहाँ है, नियर मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में है। अहमद अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था कुपरोहिरा में सिख लोगों पर, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50,000 सिख लोग जो थे वो मारे गए थे, जिसमें बच्चे और लेडीज़ भी इंक्लूडेड थी। नानक शाही क्वाइंस वर स्टार्टेड बाय, नानक शाही क्वाइंस जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह ने स्टार्ट किए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जो बाकी का टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।